संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉरक्वायरी केस में मवा मोइत्रा की से जुड़ी है रिपोर्ट। 4 दिसंबर को एक्स कमेटी करेगी, सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाएगी रिपोर्ट। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में बदलाव, अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इसी ने कहा, कई अनुरोध के बाद फैसला किया। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश का एक्सपोस्ट, 1 महीने पहले दलों की अपील पर इसी रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई तारीख। चुनाव नतीजों से पहले कई राज्यों में एक्शन में बीजेपी नेता। राजस्थान में राज्यपाल और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। सूत्रों का दावा, बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर फुल एक्शन में वसुंधरा राजे। इनमें निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से संपर्क भी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा। चुनाव नतीजों से पहले ग्वालियर में शिवराज के साथ सिंधिया परिवार से मुलाकात। दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा अर्चना। एग्जिट पोल को लेकर कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट। लिखा, कांग्रेसियों को निराश करने के लिए एग्जिट पोल में कांग्रेस को हराया गया। निराश ना हो, निष्पक्ष मतगणना कराएं। एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एबीपी न्यूज से कहा, गलत साबित होंगे सर्वे, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी लौटे भारत। दुबई में सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया था भाग। COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने COP33 को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव रखा। बोले, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर जोर है, जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या। दुबई में पीएम मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइज़क हर्ज़ोग से मुलाकात की। फलस्तीन मुद्दे के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव में शामिल होंगे। राहुल गांधी का केरल दौरा। कोची में केरल महिला कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए। उद्घाटन किया, कहा कांग्रेस ने पहला महिला प्रधानमंत्री दिया। बीजेपी आरएसएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान। पंजाब सरकार ने की गन्ने के दामों में बढ़ोतरी। 11 रुपए क्विंटल बढ़ाए गन्ने के दाम। 391 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी और निजी चीनी मिलें खरीदेंगी गन्ना। अब आगे बढ़ते हैं। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई है। सूबे की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता चर्चा में आ गई है। शुक्रवार को वसुंधरा ने एक के बाद एक दो मुलाकातें की जो सुर्खियों में हैं। उसके बाद सवाल यह है कि क्या बहुमत मिलने पर बीजेपी वसुंधरा को चेहरा बनाएगी राजस्थान में, इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राजस्थान में बढ़ती सियासी हलचल की गवाह ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी की नेता और सूबे की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात दर्ज है। वैसे तो वसुंधरा राजे ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन इस मुलाकात से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को आलाकमान का संकेत मिल चुका है। क्या राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को अगला सीएम बनाएगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इन सवालों के पीछे ठोस तर्क है। शुक्रवार के दिन वसुंधरा राजे ने दो अहम मुलाकात की। सबसे पहले वसुंधरा ने आरएसएस नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद राजभवन पहुंचकर वसुंधरा राज्यपाल से मिली। पहले संघ नेताओं से मुलाकात, फिर राज्यपाल से वसुंधरा की मुलाकात यूं ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में रहने को कहा है। वसुंधरा को दूसरी छोटी पार्टियों के नेताओं से भी संपर्क साधने को कहा गया है। यानी राजस्थान में बीजेपी के अगले गेम प्लान में वसुंधरा राजे का अहम रोल है। सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने में वसुंधरा का रोल होगा। जाहिर है सरकार में भी वसुंधरा का अहम रोल होगा। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। आपको निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, आप संपर्क में है क्या उनसे? कतई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी संपर्क में। जब हो, जब हमारा बहुमत नहीं हो, हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं। उसके बाद भी वैचारिक रूप से जो लोग हमसे साथ थे और जिनको टिकट नहीं पा पाए वो वापिस लौटेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। पूर्ण बहुमत की बीजेपी नेताओं की उम्मीद यूं ही नहीं है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, उसी रिवाज पर एग्जिट पोल भी मुहर लगा रहे हैं।
एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 94 से 114 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में अन्य को 9 से 19 सीटें मिलने की संभावना है, यानी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत की उम्मीद है। लेकिन अगर मामला नंबर गेम में फंसा तो उसकी तैयारी में वसुंधरा राजे अभी से जुटी हुई है। करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था, जिसको समीकरण की दृष्टि से, जिसके कारण कांग्रेस का राज आया 2018 में, वो 28 में से 20-22 सीट आ जाएं, तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज और एग्जिट पोल के आंकड़े राजस्थान में बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रण में कांग्रेस को अब भी उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गहलोत का जादू चलेगा और फिर सूबे में रिवाज बदलेगा। 3 दिसंबर है वो, उसका फैसला आपके सामने आएगा, तो ये सारे जितने भी सर्वे कह रहे हैं ये सब गलत साबित होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास में न तो यहाँ कोई नेतृत्व था, न कोई नेता था, केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह के भरोसे वो बैठे थे, जो मोदी जी और अमित शाह जी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। सीएम अशोक गहलोत भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। गहलोत भी मजबूत निर्दलीय और छोटी पार्टियों के संपर्क में हैं। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़ों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी की नजर राजस्थान की कांटे की टक्कर में फंसी 46 सीटों पर है। देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर 46 सीटों पर है और ये देखिए आप, बीजेपी को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 46 सीटों की मैं बात कर रही हूँ, और कांग्रेस को 21 सीटें यहाँ पर जाती दिखा रही है इनमें से, और 14 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। 46 सीटों का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या आंकड़ा हो सकता है। बीजेपी 130 से 140, कांग्रेस 55 से 65 पर जा सकती है और अन्य को 0 से 8 का आंकड़ा मिल सकता है। यानी टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या यहां पर होगा, ये हमने आपको दिखाया। अब जरा यही समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में अगर ये सीटें चली जाती हैं 46 सीटें तो क्या होगा। बीजेपी 88 से 98 पे आ जाएगी, कांग्रेस को 91 से 101 का आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है, 8 से 12 सीटें अन्य के खाते में शिफ्ट हो सकती हैं। मतगणना में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। फिलहाल वसुंधरा और गहलोत पर्दे के पीछे से सियासी समीकरण साथ रहे हैं। वसुंधरा राजे जिस अंदाज में एक्टिव है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और अब चलिए आपको बताते हैं कुछ लाइव टिप्स। बिल्कुल, देखिए सोने से पहले आपको ऐसा क्या करना है जिससे अच्छी नींद आए, ये आपको बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रखर गर्ग। जो पोस्चर है वो खराब होता है, इवन जो स्लीपिंग टाइम है वो रिड्यूस हो गया है, रादर वो स्लीप हाइजीन को फॉलो नहीं करता। स्लीप हाइजीन में आपके सोने से पहले लाइट्स ऑफ एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले हो जानी चाहिए, मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए, बट यूजली आजकल क्या होता है कि मोबाइल देखते देखते लोग सोते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्वाइकल की वजह से फिर परसिस्टेंट हेडेक रहना, पेन रहना, ये सब रहता है, और हम कहते हैं फिर पेन किलर्स और उनके लिए जाते हैं, रादर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, स्लीप प्रॉपर रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अच्छी नींद जरूरी है वैसे ही सही जगह इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और इसकी टिप्स आपको देने जा रहे हैं अशोक अग्रवाल। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, खासकर इंडेक्स फंड में या ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वहाँ पे SIP कर सकते हैं, तो SIP में पर मंथ आपका एक फिक्स अमाउंट रेगुलर इन्वेस्ट हो जाएगा, तो ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। और कुछ पैसा आपको इमरजेंसी के लिए FD में रखना ही चाहिए, बैंक अकाउंट में रखना ही चाहिए, बिकॉज शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और बदलते मौसम में अपने स्किन की केयर कैसे करें, जानते हैं एक्सपर्ट जसमीत जगदेव से। इस मौसम में हमें हमेशा अपना फेस नॉर्मल वाटर से धोना चाहिए, फेस को कभी भी गर्म पानी से नहीं क्लीन करना चाहिए, और यूज़ करें एक क्रीमी टेक्सचर का क्लिनजर जिससे हमारा फेस क्लीन रहे, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। और साथ ही में हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम बाहर से आते हैं, क्योंकि बाहर इतनी धूल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो हमें घर आने के बाद भी फेस को क्लीन रखना है। और मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही ना परचेज़ करें,
हमेशा याद रखें कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए और साथ ही साथ में केमिकल फ्री होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉक्वेरी केस महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में बदलाव। अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। ईसी ने कहा कई अनुरोध के बाद फैसला लिया गया। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश का एक्सपोस्ट, 1 महीने पहले दलों की अपील पर ईसी रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई तारीख। एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है, सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार का चुनाव नतीजों पर दावा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस तो राजस्थान में बीजेपी आगे। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर। चुनाव नतीजों से पहले कई राज्यों में एक्शन में बीजेपी नेता। राजस्थान में राज्यपाल और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। सूत्रों का दावा बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर फुल एक्शन में वसुंधरा राजे। इनमें निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से संपर्क भी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा। चुनाव नतीजों से पहले ग्वालियर में शिवराज के साथ सिंधिया परिवार से मुलाकात की। दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दावा एमपी में बीजेपी सरकार बनना तय। शिवराज के खिलाफ थी सत्ता विरोधी लहर, इसलिए सामुदायिक नेतृत्व में लड़े चुनाव। एग्जिट पोल को लेकर कमलनाथ का एक्स पर पोस्ट, लिखा कांग्रेसियों को निराश करने के लिए एग्जिट पोल में कांग्रेस को हराया। निराश ना हो, निष्पक्ष मतगणना कराएं। एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एबीपी न्यूज से कहा गलत साबित होंगे सर्वे। राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा हमें पूरा विश्वास सभी 5 राज्यों में कांग्रेस बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल्स पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्निंग का बयान, एग्जिट पोल से लग रहा मोदी सरकार की लहर की दौड़ खत्म। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कांग्रेस की जीत इंडिया गठबंधन की मानी जाएगी जीत। एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता हो चुकी है खत्म। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एग्जिट पोल को किया खारिज, कहा एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत होगी। पीएम मोदी के कामकाज से जनता बहुत नाराज। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, 3 तारीख को नतीजे आने पर बात करेंगे। राजस्थान बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा का दावा, गहलोत सरकार के 95% मंत्री चुनाव हारे। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को मिलेगी करीब 22 सीटें। राहुल गांधी का केरल दौरा, कोची में केरल महिला कांग्रेस के सम्मेलन में उद्घाटन किया, कहा कांग्रेस ने पहला महिला प्रधानमंत्री दिया, बीजेपी आरएसएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान। केरल के कोची में मलयालम दैनिक अखबार के कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, कहा कॉर्पोरेट मीडिया चाहे जो कुछ कहे सच्चाई ये है कि भारतीय एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एबीपी न्यूज से कहा हमने जनता को बताने की कोशिश की ओवैसी वहीं से लड़ते हैं चुनाव जहां से हो सके बीजेपी को फायदा। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का दावा, जनता ने दिखाया ओवैसी को आईना, जनता जानती है ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है जो खिसके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गठबंधन को लेकर बयान, था एक बड़े गठबंधन में शिवसेना बीजेपी और एनसीपी अजित गुट लड़ेगा चुनाव, 45 सीट पर जीतेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी के चिंतन शिविर में पहुंचे मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने भुजबल गो बैक के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। महाराष्ट्र के जालना में मनोज जरांगे की मांग, का मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को 1 महीने में वापस लिया जाए। महाराष्ट्र में 16 शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला, शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी का बयान, दूसरा पक्ष केवल वक्त खराब कर रहा है। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। यूपी विधानसभा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं, यूपी में आरक्षण के साथ हो रहा खिलवाड़।
यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा यूपी में 2017 से पहले थी अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यूपी में तेजी से हो रहा है विकास। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहे आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को निमंत्रण, कार्ड के साथ जरूरी निर्देश भी जारी। अंतिम चरण में अयोध्या में बन रहे श्रीराम एयरपोर्ट का काम, एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा जल्द शुरू हो जाएंगी उड़ान। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों के घर पर जश्न का माहौल, यूपी से लेकर ओडिशा झारखंड तक परिजनों के चेहरे में खुशी दिखाई दी, घर पहुंचने पर श्रमिकों का जोरदार स्वागत किया गया। यूपी के श्रावस्ती में उत्तराखंड के सुरंग से बचाए गए 6 मजदूरों का स्वागत, 4 महीने पहले जिले से सुरंग में काम करने गए थे 40 लोग, 17 दिन सुरंग में फंसे रहे थे 6 श्रमिक। दिल्ली के राइट माइनर्स की उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका, सीएम केजरीवाल ने की मुलाकात, दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम करते हैं सभी लोग। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा सालों से दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हैं सभी राइट माइनर्स, सीएम केजरीवाल ने पूरी टीम को सम्मानित किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, 41 श्रमिकों को बचाने में रेड माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान, इन्होंने सही मायनों में दिल्ली और देश का नाम रोशन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल अभियान, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बयान, बीजेपी आपको खत्म करने की साजिश कर रही। आजम खान के गढ़ रामपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की रैली, मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन रैली को संबोधित करेंगे अनुप्रिया पटेल, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रैली अहम। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी लौटे भारत, दुबई में सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया था हिस्सा।